देखो, कोई भी मैथ्स में कैलकुलेशन होगा, मैथ्स में कोई भी कैलकुलेशन होगा, वो कैलकुलेशन आप जब देखोगे तो वो कैलकुलेशन मान लो इस तरह का दिया हुआ है, 7 9 2.1 इंटू 5 6.32। ये एक यहां पे मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, डिवाइड बाय 15.74। यहां पे एक कैलकुलेशन दिया है मैंने, मल्टीप्लीकेशन भी किया है, डिवाइड भी किया हुआ है। जब आप कैलकुलेटर से इसका आंसर ढूंढोगे, जब आप कैलकुलेटर से इसका आंसर ढूंढोगे तब आपको तुरंत मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम में कैलकुलेटर का यूज करने नहीं देंगे आपको, आपको एंट्रेंस एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो आप इस तरह के कैलकुलेशन लॉग टेबल की हेल्प से कर सकते हो। मैं आपको आज ये लॉग टेबल की हेल्प से कैलकुलेशन कैसे किए जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो मेथड सीखनी होगी सबसे पहले आपको, जो मैं मेथड यहाँ पे बोल रहा हूँ वो पूरी मेथड आप अच्छी तरह से देखोगे। चलो उसमें क्या है, ये मेथड में क्या है, देखो मेथड में सबसे पहले आपको लॉग फाइंड आउट करना है, ये चीज का यहां पे जो लिखी है वो। तो यहां पे लॉग ऑफ 7 9 2.1 इसका लॉग फाइंड आउट करना है। फिर लॉग कैसे फाइंड आउट होगा वो मैं अभी बताऊंगा आगे। अभी पूरी मेथड ध्यान से देखो, सिर्फ 7 9 2.1 इसका लॉग फाइंड आउट करना होगा। फिर मल्टीप्लीकेशन जहां पे होता है लॉग में वो प्लस होता है, तो यहां पे मल्टीप्लाई किया है तो मैं प्लस लिखूंगा। लॉग में ऐसी मेथड है जहां पे मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा वहां पे आप क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे। तो यहां पे मैंने प्लस कर दिया। फिर लॉग में देखने वाला हूं इसका 56.32, मैं इसका लॉग देखूंगा। तो यहां पे ऊपर दोनों के, इसके और इसके दोनों के लॉग हम यहां पे ढूंढेंगे। फिर माइनस करूंगा, नीचे जो डिवाइड होता है वो माइनस लिखा जाता है, और मुझे लॉग चाहिए 15.74 का लॉग चाहिए मुझे। तो यहां पे मैंने क्या किया, देखो पहली जो मेरी फर्स्ट लाइन है सिंप्लीफिकेशन की फर्स्ट लाइन, उसमें मुझे 7 9 2.1 का लॉग ढूंढना है। मल्टीप्लीकेशन आया तो मैं प्लस कर दूंगा। फिर मैं 56.32 का लॉग ढूंढूंगा, दोनों के लॉग ढूंढूंगा, ये बड़ा ब्रैकेट ओवर। फिर जो डिवाइड हुआ है वो माइनस में जाएगा और 15.74 का लॉग ढूंढूंगा। तो यहाँ पे मैं इस तरह से लॉग ढूंढ रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप पॉइंट, यहां टू के बाद ये पॉइंट है, देखो ये पॉइंट को अगर आप 7 के बाद ले जाओगे तो आपको कितने जंप करने होंगे। सिंपल सी बात है, 7 के बाद पहले डिजिट के बाद पॉइंट ले जाना है, अगर पहले डिजिट के बाद पॉइंट ले जाना है तो आपको कितने जंप करने होंगे। आपका पॉइंट यहां पे है तो 1 2 आपको 2 जंप करने होंगे, समझ में आ रहा है। तो यहां पे दूसरा स्टेप क्या करना है, हमें दूसरा स्टेप, ये पॉइंट 2 के आगे और 9 के आगे मींस पहले डिजिट के बाद ले जाना है, तो मुझे 2 जंप करने होंगे। इसलिए मैं यहां पे 2 पॉइंट लिखूंगा, प्लस यहां पे 5 6 फिर पॉइंट है, वो पहले डिजिट के बाद ले जाना है, 5 के बाद ले जाना है, तो मैं यहां पे 1 पॉइंट लिखूंगा क्योंकि मुझे एक जंप करना होगा। ये पॉइंट अगर 7 के बाद ले जाना है तो 1 और 2 2 जंप करने होंगे, ये पॉइंट 5 के बाद ले जाना है तो मुझे एक जंप करना होगा। माइनस यहां पे 5 के बाद पॉइंट है,
उसको वन के बाद ले जाना है, फर्स्ट डिजिट के बाद, तो मुझे एक जंप करना होगा। तो मैंने क्या किया, पहले पहले ये जितने भी फर्स्ट डिजिट के बाद मुझे ले जाने थे वो मैंने यहाँ पे पॉइंट रख दिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसका इसका और इसका लोग देखना है, तो मैंने लिख दिया। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप ये जो पॉइंट है उसको मैं जंप करवाऊंगा, या ऑलवेज फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट आए वैसा आप करोगे। तो यहाँ पे सेवन के बाद पॉइंट लाना है, अभी टू के बाद है, तो वन और टू, टू जंप होगा, यहाँ पे वन जंप होगा, यहाँ भी वन जंप होगा, तो मैंने वो पॉइंट्स लिख दिए। अब यहाँ पे लिखा है 79, 2 और 1, चार डिजिट है, यहाँ पे लिखा है 79, 2 और 1, तो आप लॉग टेबल निकालोगे, याद रखना एंटी लॉग वाला टेबल नहीं, लॉग टेबल निकालोगे, लॉग देखना है। तो लॉग टेबल जैसे ही निकालोगे उसमें 79 देखोगे तो ये है मेरा लॉग टेबल। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये है लॉग टेबल, ये है लॉग टेबल, ऊपर लिखा है लॉगरिथम्स, ऊपर लिखा है लॉगरिथम्स, ये लॉग टेबल है। उसमें देखो फर्स्ट लाइन देखो, ये फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन देखो 10, 11, 12, 13, 14, ये फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन में आपको ढूंढना है 79, क्या ढूंढना है, 79 ढूंढना है फर्स्ट लाइन में। तो मैं ये फर्स्ट लाइन आपको दिखा रहा हूँ, देखो बच्चों आपको ये फर्स्ट लाइन दिखा रहा हूँ, एक मिनट, यहां पे जो फर्स्ट लाइन होगी एक मिनट बच्चों, फर्स्ट लाइन है 79 की, तो हमें ढूंढना है 79 फर्स्ट लाइन में, पीछे के पेज में होगा, लॉग के दूसरे पेज में होगा, फर्स्ट पेज में तो नहीं मिलेगा हमें। चलो कोई बात नहीं, हम ढूंढते हैं, आपको बताता हूं। देखो ये है लॉग का टेबल, लॉग का टेबल है, उसमें ये फर्स्ट लाइन देखो, आप फर्स्ट लाइन आप नीचे जा रहे हो, 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 यहाँ पे फर्स्ट लाइन कहाँ पे स्टॉप हुई, ओ 54 पे स्टॉप हुई, यहाँ पे देखो 54 लिखा है फर्स्ट लाइन पे। चलो दूसरा पेज, इसके पीछे वाला पेज चाहिए, लॉग का दूसरा पेज, उसमें हम ढूंढते हैं। चलो ये लॉग का पीछे वाला दूसरा पेज मैंने निकाला, लॉग का जो दूसरा पेज है वहां देखो 55, 56, देखो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आपको जाना है 79। चलो आ गया, मुझे चाहिए था 79, मिल गया मुझे, ये है 79, देख लो बच्चों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये है 79, 80 से ऊपर 79 आपको दिखाई दे रहा है, 79 यहाँ पे। तो फर्स्ट लाइन में आपको क्या ढूंढना है, फर्स्ट टू डिजिट, इसके अंदर, इसके अंदर आप देखोगे, इसके अंदर फर्स्ट टू डिजिट कौन से है, 79 है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली, ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली फर्स्ट लाइन होगी उसमें हम फर्स्ट टू डिजिट ढूंढेंगे। तो यहाँ पे 79 है, तो मैं यहाँ पे ढूंढूंगा 79, चलो मुझे मिल गया 79, मुझे मिल गया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, 79 के बाद क्या है, 2 है, और 2 के बाद क्या है, 1 है। तो मैं क्या करूँगा, 79 मुझे बच्चों यहाँ पे मिला था, 79 मुझे यहाँ पे मिला था, ये ऊपर देखो ज़ीरो की लाइन, ये पूरी ज़ीरो की लाइन, ये वन लिखा है पूरी वन की लाइन, यहाँ पे टू लिखा है तो ये पूरी टू की लाइन है। तो यहाँ से 79, यहाँ से टू, यहाँ से 79, यहाँ से टू, दोनों को मर्ज करोगे तो 8, 9, 8, 7 मिलेगा,
देखो यहाँ पे आप देखो 79, ये जगह देखो 79, 79 वाली ये जगह है, और यहाँ पे फर्स्ट लाइन 0 की है, फिर 1 की और फिर 2 की, तो 79, और यहाँ पे देखो यहाँ पे 79, ये 0 1 2, तो 79 की रो में यहाँ पे आप देखोगे तो 8 9 8 7, ये 2 की रो है, ये सॉरी ये 2 की कॉलम है, ये 79 की रो है, तो 79 की रो 2 की कॉलम कहाँ पे मिली एक दूसरे को, कहाँ पे मिली, 8 9 8 7 आपको दिखाई देगा, 8 9 8 7 पे मिला, समझ में आ रहा है। चलो 8 9 8 7 हम साइड में कहीं लिख देंगे, हम साइड में कहीं लिख देंगे, हमें याद रहे इसलिए हम लिख देंगे साइड में कहीं भी 8 9 8 7। चलो ये मैंने साइड में कहीं लिख दिया 8 9 8 7, 8 9 8 7 तो मुझे मिला है। चलो इसके बाद क्या है, 79 का 2 की लाइन में मैंने देख लिया, लेकिन लास्ट में फोर्थ है, फोर्थ डिजिट 1 है, 1 फोर्थ डिजिट 1 है, तो मैं क्या करूंगा यहां पे मीन डिफरेंस देखूंगा, मीन डिफरेंस, ये जो मीन डिफरेंस है उसमें क्या है, देखो 1 से 9 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैं 1 की लाइन में नीचे बढ़ूंगा, 1 की लाइन में नीचे बढ़ूंगा, नीचे बढ़ूंगा, नीचे जाऊंगा, नीचे जाऊंगा, तो यहां पे है 79, यहां पे 79 है, उसका 2 में मैंने देखा, 79 का 2 में मैंने देखा क्या आया, 8 9 8 7, ये डिजिट मैंने लॉक कर दिया, 79 का 2 में 8 9 8 7 ये डिजिट मैंने लॉक कर दिया। अब ये ही लाइन में आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे तो 1 जो है, 1 1 में नीचे, 1 में नीचे, ये ही लाइन में 1 में नीचे, यहां 1 ही मिला, क्या मिला, 1, यहां पे आप देख सकते हो ये 1 मिला, ये 1, और यहां पे है 8 9 8 7, तो यहां पे जो मुझे मिला था 8 9 8 7, उसमें 1 ऐड कर दो, 8 9 8 7 में 1 ऐड कर दोगे तो अब यहां पे आप लिख सकते हो 8 9 8 8, 8 9 8 8, तो 79 का 2 में देखा और 1 में देखा, लॉग टेबल में क्या करोगे आप, लॉग टेबल में क्या करोगे, इस तरह से करोगे 79 का 2 में देखा जो आया, उसमें 1 में जो आया वो ऐड कर दिया, मींस 8 9 8 7 में ये 1 नंबर ऐड कर दिया, 8 9 8 7 में 1 नंबर ऐड कर दिया, तो दोनों का टोटल, यहाँ पे दोनों का टोटल क्या आएगा, दोनों का टोटल आएगा 8 9 8 8, दोनों का टोटल आएगा 8 9 8 8। अब बात आएगी इसकी, तो मुझे 56 का 3 में और 2 में देखना है, मुझे 56 का 3 में और 2 में देखना है, तो मेरी ये लाइन में, ये लाइन में 56 यहाँ है, देखो यहाँ पे है 56, यहाँ पे आप देखोगे तो देखो यहाँ पे 56 मिला, ये रहा 56, 56 का मुझे देखना है 3 में, तो 56 का ये 1, ये 0 की लाइन, ये 1 की लाइन, ये 2 की लाइन, ये 3 की लाइन, चलो 56 का 3 में क्या होगा, 56 का 3 में मैच करो, 56 3, 56 3 मैच करो तो आपको मिलेगा 7 5 0 5, 56 का 3 में 7 5 0 5 मिलेगा, तो वो तो लॉक कर दो, ये डिजिट लॉक कर दो आपके दिमाग में, 7 5 0 5, 56 का 3 में आपके दिमाग में ये रख दो। अब फिर देखना है मुझे 56 का 3 में मैंने देख लिया, अब मुझे देखना है 2 में, कहाँ देखना है 2 में, तो 2 तो यहाँ पीछे होगा मेन डिफरेंस में, 1 की लाइन, 2 की लाइन, 3 की लाइन, लेकिन मुझे तो 2 में देखना है, तो जब आप 56 का,
यहां पीछे टू में भी देखोगे तो वो तो टू आया, देख लो आप, यहां पे टू आया, एग्जेक्ट नीचे टू आया। तो यहां पे क्या था, 7505, 7505, उसमें आप ऐड कर दोगे ये टू, तो आपको क्या मिलेगा, 7505 में टू ऐड कर दोगे तो 7507 आपको मिलेगा, 7507। आपने क्या किया, 56, आपने क्या किया, 56 की रो ली, लेकिन कॉलम किसकी ली, थ्री की और टू की। 56 की क्या लोगे, रो, कॉलम किसकी लोगे, थ्री और टू की। तो 56 की थ्री के साथ मैच करो और उसमें टू में जो आए वो ऐड कर दो, टू में जो आए वो क्या करोगे, ऐड करोगे। तो मुझे यहां पे क्या मिला, 5607। उसी तरह से ये है 15.74, ये है 15.74। तो मुझे 15 का 7 में देखना है, 15 का 7 में देखना है और बाद में 4 में देखना है। तो मैं क्या करूंगा, ये 15 है, देखो ये 15, 15, ये 15 है, यहां पे आप देख सकते हो 15। ये 15 को मैं यहां पे इस तरह से आगे ले जा रहा हूं, तो देखो ये 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 की लाइन है यहां पे, ये आप देख सकते हो ऊपर 7 लिखा हुआ, तो ये 7 की लाइन है। तो मुझे क्या करना है, 15 वाली रो, 7 वाली कॉलम, 15 वाली रो, 7 वाली कॉलम कहाँ पे मर्ज होती है, देखो 15 वाली ये रो, 7 वाली कॉलम यहाँ पे मर्ज हुई, 1959 पे, समझ में आया, 1959 पे मर्ज हुई। तो मैं मेरे दिमाग में 1959 लॉक कर दूंगा, ये डिजिट 1959, समझ में आ रहा है। अब लास्ट डिजिट कौन सा देखना है इसमें, मीन डिफरेंस में, वो है 4। 15 का 7 में देख लिया, अब लास्ट में देखना है 4। तो मैं क्या करूंगा, 15 का 7 में क्या था, 1959 था, 1959 किसका, 15 का 7 में 1959 था। अब उसमें 4 ऐड कर दूंगा, 4, 1 2 3 4, 11 आएगा, यहां पे क्या आएगा, 11, आप देख सकते हो, देखो 11 आया, ये है ना 4 की कॉलम है, उसमें 11 आया, ये ही लाइन में 11 आया, देखो। तो 11 ऐड करूंगा, किस में 11 ऐड करूंगा, 1959 में। तो 1959 में 11 ऐड करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा बताओ, 1959, 1959 उसमें 11 ऐड कर दिया तो आपको यहां पे मिलेगा 1970, क्या मिलेगा आपको, 1970। तो यहां पे मैं लिख दूंगा अब 1970, इस तरह से लिख दूंगा, इस तरह से, देख लो बच्चों। अब मैं क्या करूंगा यहां पे, यहां पे अब मुझे यहां पे करना है टोटल, क्या करना है यहां पे, टोटल करना है। तो टोटल कैसे होगा, अब यहां पे टोटल कैसे होगा, तो जो भी यहां पे दिख रहा है उसका टोटल करो। यहां पे क्या दिख रहा है, 2.8988 प्लस 1.7507, टोटल करो, 2.8988, 2.8988 प्लस 1.7507, इसका टोटल, इसका टोटल क्या आएगा, दोनों का टोटल आएगा 4.6495, 4.6495 माइनस 1.1970, ये माइनस कर दिया, माइनस 1.1970, ये माइनस कर दिया, तो आपको यहां पे आंसर मिला 3.4525, यहां पे आंसर मिला 3.4525। अब इसका मुझे क्या करना है, ये जो आंसर मिला उसका क्या करना है, उसका अब एंटी लॉग देखना है, इसका एंटी लॉग देखना है, समझ में आ रहा है, यहां पे जो मिला ना उसका मुझे एंटी लॉग देखना होगा।
तो एंटी लॉग देखने के लिए आपको एंटी लॉग के टेबल में जाना होगा। एंटी लॉग देखने के लिए आपको लॉग का टेबल नहीं चाहिए अभी, अभी आपको चाहिए एंटी लॉग का टेबल। तो एंटी लॉग का टेबल देखो, यहाँ पे ऊपर लिखा होगा एंटी लॉगेरिथम्स, इस तरह का टेबल लेना होगा। अब आपको जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है उसमें है लॉग एंटी लॉग दोनों के टेबल है, तो आपको एंटी लॉग का टेबल देखना होगा। अब ये कैसे देखा जाएगा, यहाँ पे पॉइंट के आगे क्या है, थ्री है, वो अभी आप नहीं देखोगे। पॉइंट के आगे जो भी हो वो आप नहीं देखोगे, आप पॉइंट के पीछे वाले डिजिट ही देखो। तो पॉइंट के पीछे क्या है, पॉइंट के पीछे क्या है, 4525 यहाँ पे दिख रहा है, 4525। पॉइंट के आगे अभी कुछ नहीं देखना है, अभी पॉइंट के पीछे देखना है, तो 4525 है। समझ में आ रहा है? तो एक काम करोगे, एंटी लॉग वाला टेबल निकालो, उसमें 45 वाली रो ढूंढो और 2 और 5 का कॉलम ढूंढोगे। समझ में आ रहा है? आप क्या करोगे, 45, ये 3 नहीं देखोगे पहले वाला, अभी अभी आप 45 वाली रो ढूंढो, रो और 2 की कॉलम, उसमें 5 की कॉलम ऐड होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एंटी लॉग वाला टेबल है, एंटी लॉग वाला टेबल, उसमें देखो पहले क्या है, 00 01 02 03 04। नीचे जाओ, नीचे जाओ, आपको तो क्या चाहिए, आपको तो 45 चाहिए। क्या चाहिए, 45, पॉइंट 45 है ना, पॉइंट आगे 45 के आगे, यहाँ पे देख लो 45 के आगे क्या है, पॉइंट है। 3 नहीं देखोगे अभी, 3 नहीं देखोगे, सिर्फ पॉइंट देखो, पॉइंट 45 है। तो यहाँ पे देखो, नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, तो यहाँ पे आपको 45 कहाँ पे मिलेगा, ये रहा, चलो ये मिल गया, ये 45 मिल गया मुझे, यहाँ पे मुझे 45 मिल गया। देखो तो 45 की रो, रो किसको बोली जाती है बच्चों, बताओ रो किसको बोली जाती है, यहाँ पे रो हम किसको बोलेंगे। देखो यहाँ पे 45 का 2 में ढूंढना है और 5 में ढूंढना है, 45 का 2 में और 5 में। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये 45 है, 45 उसका 2 में ढूंढना है, तो ये तो 0 वाली कॉलम है, ये 1 वाली है, ये 2 वाली है, देखो 2 वाली है। तो 45 का 2 वाली कॉलम देखो, 45 की 2 वाली, तो 45 में 2 वाली कॉलम, ये 45 वाली रो है, ये पूरी रो है, 45 वाली रो पूरी, यहाँ पे 45 है, ये पूरी रो 45 की है, तो 45 लेकिन 2 की कॉलम, तो 45 वाली रो 2 की कॉलम, 45 वाली रो 2 की कॉलम, तो क्या मिला, 2831 मिला। देखो 2831 क्या मिला आपको, 2831, तो आप दिमाग में लॉक कर दो 2831 को। और पीछे मीन डिफरेंस में देखना है 5, यही लाइन में पीछे मीन डिफरेंस में देखना है 5, तो 5 में तो 3 है, यहाँ पे 3 है, देखो ये 5 में क्या है, यहाँ पे ये जगह पे सॉरी, यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 5, 5 में जाओगे ना, तो यहाँ पे 3 मिला, 3 मिला, देखो यहाँ पे मेरी पेन है, 3 मिला, तो 3 ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 45 वाली रो 2 वाली कॉलम, 45 वाली रो 2 वाली कॉलम, 2831 तो मिल रहा था, क्या मिल रहा था, 2831, उसमें 3 ऐड कर दो, तो 2831 प्लस 3, 2831 प्लस 3, 2834 आपको मिलेगा, 2834 ये मिलेगा आंसर, क्या मिलेगा, 2834 मिलेगा, ये आपको आंसर मिला। अब ये 3 देखोगे, ये 3, 3 देखोगे, 3 कहाँ काम आएगा, आप एक काम करोगे, यहां पॉइंट कर दोगे, ये जो आंसर आया ना, यहां पॉइंट कर दोगे इनटू, यहां पॉइंट के आगे जो भी है वो 10 की पावर में लिख दोगे, 10 की पावर में। आपका आंसर अभी क्या आया था, 2834 आया था, तो पहले डिजिट के बाद कंपलसरी पॉइंट कर देना, और यहां पे जो लिखा है पॉइंट के आगे जो भी डिजिट लिखा है वो 10 की पावर में चला जाएगा, 10 की पावर में, तो 10^3 हो गया। तो यहाँ पे 10^3 मीन्स 1000,
जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2.834 इंटू 1000 जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फाइनल आंसर 2834 ये आ जाएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे कैलकुलेटर में, एक बार कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई करके देखो, ये अराउंड ये आंसर आपको मिलेगा। चलो ये हम सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेटर में, हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं ये आंसर यहाँ पे हमें मिलता है या नहीं मिलता है। ये सिंप्लीफाई करके हम देखेंगे यहाँ पे। यस, यही आंसर मिल रहा है 2834, लेकिन पॉइंट पॉइंट के बाद दूसरा थोड़ा आगे मिल रहा है पॉइंट के बाद, समझ में आ रहा है? पॉइंट के बाद कैलकुलेटर में करोगे ना तो कैलकुलेटर बहुत एक्यूरेट आंसर देता है, तो कैलकुलेटर में 0.24 मिल रहा है पीछे, 0.24। और लॉग टेबल में क्या होगा, लॉग टेबल में आपको चार डिजिट तक ही आंसर मिलेंगे, क्योंकि लॉग टेबल में ये लिमिटेशन है, समझ में आ रहा है? बहुत ज़्यादा लॉन्ग आंसर नहीं मिलेंगे, चार डिजिट तक आप आंसर को ला सकते हो। तो इसको मैंने कैलकुलेटर से सोल्व किया तो मेरा आंसर कैलकुलेटर में क्या आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है 2834.2485, इस तरह से आ रहा है। तो ये तो दोनों देखो अप्रोक्सीमेट इक्वल है। तो विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट कैलकुलेटर लॉग टेबल की हेल्प से हम सम्स कर सकते हैं, समझ में आया है? हम इस तरह के सम्स सोल्व कर सकते हैं, ये आपको सीखना होगा यहाँ पे बच्चों, ये आपको सीखना होगा यहाँ पे। हमें ये आंसर मिल गया, ये हमारा फाइनल आंसर लॉग टेबल से, कैलकुलेटर से करोगे तो ये आंसर आएगा।